पहन के क्या एडवेंचर करने जा। वैलेंटाइंस डे के दिन ये करना ही बाकी रह गया था। रे तो ये क्यों वापस आ रही, क्या हो गया? तेरी रेड साड़ी में। अलर्ट करना भी मेरे से सीख। शिखा जी क्या खाना पसंद करोगे? मैं कब से आया हूँ और ये मैडम पूछे जा रही है फिर कब पता है? एक बात बताऊँ, मैं कभी आया ही नहीं था, मैं कभी आया ही नहीं। ये क्या होता है? क्या होता है ये? हम जैसे लोगों के लिए नहीं बना। तो किन के लिए बना है? अरे एम्बुलेंस आ रही है, दिल टूट जाता है, एम्बुलेंस में जाना पड़ता है। दिल टूटे आशिक है मैडम लग रहा है, ऐसा कुछ अरे भाई इतने जल्दी भाई ऐसा मत करो मेरी जान। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू भारत, दिस इज विशाल द वे। तो वैलेंटाइंस डे में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 14th फेब। आज मैं कॉलेज में दिखाने वाला हूँ आप सभी लोगों को कैसा होता है हमारे कॉलेज में ये चीज मतलब बीज नहीं, चीज की बात कर रहा हूँ, चीज वो खाने वाला चीज नहीं, ये वाली चीज। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो एट द काउंट ऑफ थ्री अपन तैयार हो जाते हैं। 3, 2, 1। चुटकी नहीं बजानी, ये लो। तो गाइस फाइनली हम हो चुके हैं तैयार। ये देखो आज है फॉर्मल अटायर में कॉलेज जाने का दिन। देखो इस फॉर्मल अटायर में, बट द थिंग इज कि मेरे पास ना फॉर्मल शूज नहीं है, जिस वजह से मेरे को फॉर्मल्स पहनना अच्छा नहीं लगता। फुल फॉर्मल में जा रहे ना देन यू लुक नाइस, बट अगर आपके पास एक भी चीज की कमी है ना फॉर्मल अटायर में तो फिर मजा नहीं आता। जल्दी से निकलते हैं कॉलेज के लिए। देखो चाय पी रहे हैं भाई साहब, आधी तो हमने खत्म भी कर दी। सुबह देख रहे हैं द वैम्पायर डायरीज, देख रहे हो? रात को मैं इसको देख के सोया था भाई साहब, अभी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा आ रहा है। तो गाइस फाइनली वी आर इन कॉलेज कैंप। बस ये देखो सामने 8 ऑलरेडी बज चुके हैं, 8:30 को शैल जी का कहना है कि चालू हो जाता है फंक्शन। वैसे ये मैडम साड़ी वाड़ी पहन के आ गई और ये भाई साहब फॉर्मल्स में आ गए। वैसे तो ये भाई साहब अक्सर फॉर्मल में ही आते हैं, भाई साहब इतना कैसे सहन कर लेते हो अत्याचार को? दिल से बुरा लगता है भाई। डिसिप्लिन टीम में और वो ड्रेस कोड फॉलो करने में मानते हैं। यहाँ से जा रही, यहाँ से रास्ता है? अच्छा अभी अभी खोला है, वरना अक्सर हम लोग इस वाले रास्ते से जाते। ये पहन के क्या एडवेंचर करने जा? ये देखो रास्ता देख रहे और इनका पहनावा देख रहे मैडम का। वैलेंटाइंस डे के दिन ये करना ही बाकी रह गया था। रे तो एल लग गए। एक नए रास्ते का आज आविष्कार हुआ है। बहुत पुराना रास्ता, नीलम इधर से जाती थी। नीलम इधर से जाती थी? अरे वो याद है, वो एक इंटर्नशिप पे जाती थी। अच्छा। तो नीलम के पहले कदम पड़े थे ना इस रास्ते पे, इसीलिए ये रास्ता ऐसा है, इसीलिए ये रास्ता ऐसा है। नीलम जी आपके पहले कदम पड़े थे इस रास्ते पे। देखेगी ना तेरे को मारना स्पेशल आएगी। अच्छा उस बार नीलम देखेगी नहीं, पहली बात तो व्लॉग इतना टाइम ही नहीं है कि वो मेरा व्लॉग देखे। ऐसा करेगी तो फिर देखना पड़ेगा। उस घर किसी के बिना भेजे नीलम जी ने देख लिया तो मैं मान जाऊं, कमेंट कर दिया तो मैं अक्सर ही मान जाऊं। अभी फिलहाल अपन जल्दी से अपने फैकल्टी में चलते हैं। अक्सर हमें अपनी लाइफ में सारी चीजें बेहतर चाहिए, एंड व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन हमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज कि उनके पास एक सही गाइडेंस नहीं है। अगर मैं बोलूं कि ये गाइडेंस आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हां, 19 फरवरी को होने वाला है वर्ल्ड एजुकेशन एक्सपो होस्टेड बाय फ्यूचर लिंक कंसल्टेंसी। इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंसी इन गुजरात, जिनके पास 21 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है स्टडी अब्रॉड सर्विसेज में। इस एक्सपो में 50+ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है फ्रॉम टॉप मोस्ट इंटरनेशनल स्टडी डेस्टिनेशन लाइक UK, USA, Canada, Germany, Australia, New Zealand. So, 19 फरवरी को होने वाला ये एक्सपो सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक रहेगा। आपको आना है कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेके, जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दी एक छोटे से फ्यूचर लिंक कंसल्टेंसी के लिंक से मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन पे आपको छोटी सी लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करना है और आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको अपना नाम एवं पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, एंड लास्ट में आपको इस एक्सपो के बारे में कहां से पता चला यहां पर आपको लिखना है विशाल द वे, क्योंकि जैसे ही आप इसको लिखेंगे ना, अप्लाई करते समय आपको एक्साइटिंग ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी मिलेंगे, तो आपको ये लिखना नहीं भूलना है। पहुंच जाइए 19 फरवरी को सुबह 10 से 5 बजे के बीच में कोर्टयार्ड बाय मैरियट गेदा सर्कल के पास वडोदरा गुजरात में। एंट्री गेट पे रेड कारपेट बिछाया हुआ, रेड कारपेट पता नहीं हमारे लिए कब होगा। ये धीरज भाई जो है फोटो खींच रहे हैं दोनों मोहतरमाओं की, और यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है। एक तरफ चल रहा है फोटो सेशन जो कि ये कर रहे हैं। अरे भाई साहब क्या बहस चल रही है इधर, पता नहीं है ऐसा करेगा तू? इतना बड़ा हो गया तू है? इतना बड़ा हो गया कॉलेज में आके सीनियर्स को गालियां दे रहा है? सीनियर को गाली नहीं दी मैंने, आज के डे मतलब वैलेंटाइन डे को बोला है। चलो वैंकी सर आ चुके हैं बुलाने के लिए और हम अभी जाएंगे उस तरफ। अरे भाई इतने जल्दी भाई ऐसा मत करो मेरी जान, इतने जल्दी भाई कर दिया। अरे ये क्या था सर, दिस इज नॉट फेयर सर, माई गर्ल्स डू दिस थिंग्स। अरे 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 बताओ, वैंकी सर को भी झांसे में ले लिया। अरे
सर 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 लड़कियों की बात में बताना सर, लड़कियों की बात में बताना सर। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का। The boys. अभी मेरा स्टिकर लगा कर वो रोने वाला, ठीक है सर? अरे अरे बिल्कुल रोने वाला। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। मत मानो, क्या ही फर्क पड़ता है सर। मानते ही कब? नहीं बहुत अच्छा, तू मानती है, तू मानती, तू तो मानती है बात। हाँ तू मानते, अभी मार देगी भाई साहब मेरे को, इधर आके पता भी नहीं चलेगा। चलो फिलहाल हम ये वॉल्स को देख रहे थे, अचीवमेंट्स के वॉल लगे हुए हैं, सबको कंग्रेचुलेशन यहाँ पर कहा गया है, सिवाय हमारे कि हमारे यहाँ पर भी जगह पर फोटो नहीं है भाई साहब। इतना कुछ करने के बाद भी बहुत कुछ बोल दिया मैंने दो तीन शब्दों के अंदर, समझने वाले समझ गए। अरे ये भाई ये मैडम क्यों वापस आ रही है, मेरे को डर लग रहा है भाई, ये क्यों वापस आ रही है, क्या हो गया? मेरी रेड साड़ी में, मेरी एक्स रेड साड़ी? कौन है मेरी एक्स? अरे अरे यार ये पोपट करेगी सबके सामने। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। शिखा जी कभी कभी ऐसा बोल देती हैं, ऐसा सीरियसली नहीं लेना शिखा जी की बातों को, ठीक है। गर्ल्स की बातों को कभी सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए कोई भी गर्ल हो। देर में होने वाला है सेशन शुरू हुआ, देखो सामने हमारे एक्सपर्ट आएंगे। सेशन शुरू होने से पहले मैं यहाँ पर देख रहे हो गौरव दनिया सर का वीडियो देख रहा हूँ, इस वीडियो को अपन कंप्लीट करते हैं तब तक सर आ जाएंगे। पीछे दिख रही है ना, यहाँ पर चल रहा है हमारा सेशन। थोड़ा सा 10 मिनट का हमको ब्रेक दिया गया है, जिसमें भी हम सिर्फ जा सकते हैं वॉशरूम तक, वॉशरूम के आगे उससे ज्यादा अपन नहीं जा सकते। शैली जी को बड़ा मजा आ रहा है सेशन में, अच्छा लग रहा है भाई साहब, जितने एक्टिवनेस के साथ ये सुनती है। ओहो तेरे को कैसे पता चला मैं कौन से एक्टिवनेस के साथ? मानता हूँ वैलेंटाइंस डे है लेकिन उधर मनाओ गर्ल्स के साथ। इधर का ब्लॉग मैंने बिगाड़ दिया, ये क्लिप बिगड़ गई। जो क्लिप बिगाड़ना था उल्टा मीम मटेरियल, उल्टा मीम मटेरियल हो गया। लेकिन कवरेज टीम में हो, अरे 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 ये भाई साहब सारे के सारे आ जाओ, सारे के सारे आ जाओ। आपने कवर क्या किया? खत्म हो गया था जवाब तू दे रहा था, आपको कवर कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ और चाहिए क्या? नीचे रेड कार्पेट पे नहीं गया। फ्लर्ट करना भी मेरे से सीखे, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा फ्लर्ट करता हूँ। ऑन कैमरा ऑफ कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा अपन देखते भी नहीं। अटेंड करो हैं, बाहर खड़े हो गए, शर्म नहीं आती? चलो स्वराज भाई क्या कर रहे हो, अंदर जाओ अटेंड करो क्लासेस मतलब सेशन अटेंड करो। बहुत बढ़िया, I'm proud of you स्वराज भाई। क्या अभी का जो सीन था ना वो लेना चाहिए था, बताए अभी क्या हुआ? ये खाना लेके चल रहा है, पीछे पीछे शिखा चल रही है ये वीडियो लेके, कुछ वीडियो है जो मैंने इसको रिव्यू करने के लिए दिया है। अभी इतना मस्त सीन था पर कैमरा इसके पास था नहीं तो मैं शूट कर लेती। सर ये लंच ब्रेक के बाद खाने का क्या सीन होता है? ये रहा, आप ज्यादा सेलिब्रिटी वाली फील मत लो, ठीक है, 10 मिनट के लिए ही थी। शैली जी का वीडियो चल रहा है, हाँ वो लोग देख लो, कल आ जाएगा। हाँ शैली नहीं है, शैली है। भाई साहब आज तो बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिला, मतलब इतना काम इतना काम। तेरे को पता है तू मेरे ऊपर उड़ा रहा है। ये जाता किसके लिए लेकिन बाहर? खाना खाने। सिंगल लोगों के लिए नहीं जाना है आज बाहर भाई, खाने दो। हाँ अच्छा विशाल, जनता जानना चाहते शाम के क्या प्लान है आपके आज के? आज शाम को हम नेटफ्लिक्स देखेंगे। अच्छा नेटफ्लिक्स के साथ डेट है? अब सच्चाई है झूठ है वो तो किसको पता। ओहो एलिना नहीं, एलिना नहीं, कैरोलाइन नहीं। उसकी बहन? किसकी बहन? रेबेका। बहुत अच्छी है। आपको वजह मिल गई है इसके सिंगल होने की? एम्पायर पसंद है इसको। मैं रात को 5 बजे तक नींद नहीं, सुबह बोलते उसको, सुबह 5 बजे तक नींद नहीं आ रही मेरे को, तो मैं ना थोड़ा सा सोता हूँ, करवटे लेता हूँ, नींद नहीं आती, मैं डायरीज लगाता हूँ। हाँ उसको लगा देता हूँ और ऊपर से जब से रेबेका सर धीरे बोलो, पीछे वो चल रहा है। आप लंच करने लेट बैठे हो ना, लंच ब्रेक खत्म हो गया है। तो भैया लंच वंच करके आ चुके हैं और यहाँ पर ना टास्क मिला है सारे स्टूडेंट्स को, 10 लोगों के ग्रुप में डिवाइड किया गया है और सारे के सारे अभी टास्क का प्रिपरेशन कर रहे हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर प्रेजेंटेशन करना होगा सारे लोगों को, ठीक है।
हमारी हो चुकी है छुट्टी और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। आवाज से आपको पता चल गया होगा कि मैं कितना ज्यादा टायर्ड अभी फील कर रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं खाया, दोपहर को भी एडिटिंग में लगा हुआ था तो कुछ खाने को मिला ही नहीं मुझे। थोड़ा बहुत जो मैंने खाया वो ढोकला, वो मैंने आप सभी लोगों को दिखाया। खाना यार बहुत भूख लग रही है। और आदित्य भाई का कॉल आया था, तो आदित्य आज कॉलेज तो आया नहीं लेकिन वो बोल रहा है कि फूड कोर्ट पे वो आएगा, तो अगर फूड कोर्ट पे आता है तो हम साथ में ही लंच कर लेंगे। ठीक है, लंच का टाइम चला गया लेकिन अब लंच कर रहे हैं, देख रहे हो स्नैक्स होता है वो। ठीक है ना, 4 बजे के बाद वाला लंच। अभी इंग्लिश का हमको उतना ज्ञान नहीं है, अब क्या करें, हिंदी मीडियम से पढ़े ना। मेरी इंग्लिश बहुत बेकार है भाई, मैडम इंग्लिश की बातें कर रही है लेकिन कोई नहीं। अभी अभी शिखा जी क्या खाना पसंद करोगे आप? मैं अभी कुछ नहीं, हवा खाना है। पहले जी फोन पे बिजी है। अच्छा फोन कट गया, चलो इनका फोन कट गया। अरे बाप रे, मैं गिरता अभी है, टर्न करो। ये देखो, तो ये हमारे दो दोस्त यहाँ पर बैठे हो, देखो 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 इनको। मैं कब से आया हूँ और ये मैडम मुझसे बहुत टाइम से पूछी जा रही है कि कब आए। अरे मैं बहुत टाइम से आ चुका हूँ, ये देखो रिद्धि जी को अभी आ गए। कब आए? बस अभी मेरे को, अरे 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 अरे, ये भाई साहब और पूछ रहे। ठीक है कोई बात नहीं। पता है एक बात बताऊँ, मैं कभी आया ही नहीं। और ये भाई साहब कूदना बनकर, उधर जाक बैठ जाओ, फोन अभी कूदेगा फिर से आके देख जाओ। अच्छा हाँ, वो लो आ जाओ, आ जाओ, लो आ जाओ, लो आ जाओ, आ जाओ, रेड कारपेट में चलना है। लो 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 लो, रेड कारपेट भी दिखाओ ना मेरे लिए, देखो ना भाई, ये देखो रेड कारपेट। ठीक है, हाँ जी, शिखा जी ने याद दिलाया है। ये क्या होता है? ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं बना है, नहीं। तो किन के लिए बना है ये? कुछ के लिए बना है वो अभी। अरे एम्बुलेंस आ रही, हट जाओ भाई, एम्बुलेंस तैयार हो गई भाई। वैलेंटाइन का नाम लेते ही यार दिल टूट जाता है, एम्बुलेंस में जाना पड़ता है, समझ रहे हो? ये देखो दिल टूटे आशिक है मैडम, लग रहा है ऐसा कुछ है। ये देखो ये मैडम तो है दिल टूटी आशिक, ये भी, अरे देखो होते सब है, सब लोग है, तू हम पे बैठा है। अरे मेरे तो, मैंने पहले ही बोल चुका है कि मैं तो, मेरे तो दिल हर रोज टूटते हैं, उसमें क्या है, मेरे पास अनगिनत दिल है। देखो मुश्किल से अभी एक बचा हुआ लास्ट। ठीक है, ऑक्टोपस के पास, तेरे पास नहीं। अच्छा ऑक्टोपस के पास कितने हो? मेरे को क्या, मेरा थोड़ी सग्गा चाचा है, जनरल नॉलेज लेकिन कोई बात नहीं, हिंदी में उसका सामान्य ज्ञान। अंग्रेज चले गए, काली अंग्रेज छोड़ ऐसे ही क्या हो ना। मेरी गाड़ी किधर, यहाँ पर नहीं खड़ी थी नहीं, अंदर आने दी थी सुबह। हाँ वो भी बात है, बाहर रखी हुई है। तो चलो अभी हम चलते हैं कुछ खाने के लिए, भूख बहुत तेज लगी हुई है भाई साहब, कुछ तो खाना पड़ेगा। काम करो, एंजॉय करो, लाइफ इज ऑल अबाउट। रात के बज चुके हैं 8:30 और हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पे। वैलेंटाइंस डे तो पूरे वर्ल्ड के लिए होता है लेकिन 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 ये हमारा त्यौहार नहीं है, ये हमारे लिए पराया त्यौहार है। बट आज के दिन को हम में से कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता। आज के दिन को हम ब्लैक डे के नाम से जानते हैं, वही दिन है जब पुलवामा अटैक हुआ था और हमारे देश के जवान शहीद हुए थे। यार आज के दिन भले पूरी दुनिया वैलेंटाइंस डे मनाए लेकिन हम इंडियंस के लिए आज का डे ब्लैक डे है, क्योंकि बहुत सी माओं ने अपने बेटों को खोया और सबसे ज़्यादा इस देश ने अपने बेटों को खोया। भाई मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, मेरे एज के हो, मेरे से छोटी एज के हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, ठीक है, जो चीज़ मैं जिग्नेश भाई ने सिखाई है वो चीज़ मैं आप सभी लोगों को सिखाना चाहूँगा। और वो ये है कि आपको कहीं भी कोई भी आर्मी ऑफिसर दिखे, ठीक है, चाहे वो बड़ा ऑफिसर हो, चाहे वो छोटा ऑफिसर हो, चाहे वो सैनिक हो, कोई भी जो देश सेवा में तत्पर है, अगर आपको दिखे तो प्लीज़ जय हिंद कहिए उन्हें और उन्हें सैल्यूट कीजिए। ट्रस्ट में मैंने एक बार किया है और उनके चेहरे पे एक छोटी सी जो स्माइल होती है ना, वो स्माइल आपका भी दिन बनाती है और उनका भी दिन बनाती है। जब आप ये छोटे छोटे शब्द सुनने में छोटे लगते हैं लेकिन जब आप उन्हें कहेंगे ना तो उनका दिन बन जाएगा और वो जो इतना कुछ करते हैं इस देश के लिए वो उसे और तत्परता से और मोटिवेशन के साथ करेंगे और खुश होकर करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे हमें पूरे भारत को एक अखंड भारत बनाना है, खुशहाल भारत बनाना है, खुशहाल हिंदुस्तान बनाना है और जिसके लिए हम सबके सब मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे। ये आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसा लगा व्लॉग। इसी के साथ जमे रहिए, बने रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। विशाल दवे को विदा दीजिए, जय श्री कृष्णा, काम करो, एंजॉय करो, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। जय हिंद, जय भारत।